वैसे तो प्रदेश में कई प्रकार के फूलों की खेती होती है, लेकिन लिलीलियम ठंडी आबोहवा का बेहद खूबसूरत फूल है और इसकी बाजार में अत्यधिक मांग भी है। इसी के चलते चंपावत के देवीधुरा क्षेत्र में 4000 वर्ग मीटर में लिलीलियम के फूल लहलहा रहे हैं। पालिक देवीधुरा ढरौंज में पॉली हाउस में राजीव कुमार, गोकुलानंद, जीवानंद जोशी पॉली हाउस में लिलीलियम की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इनके उगाए गए लिलीलियम के फूल दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बिक रहे हैं। वहीं लिलीलियम की अत्यधिक मांग के चलते उद्यान विभाग अब देवीधुरा क्षेत्र को लिलीलियम के क्लस्टर के रूप में बढ़ावा देने की सोच रहा है। वहीं राजीव ने 3000 स्क्वायर मीटर में 60,000 लिलीलियम के बल्ब, गोकुलानंद ने 100 वर्ग मीटर में 3000 बल्ब, जीवानंद जोशी ने 22,000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में 22,000 लिलीलियम के बल्ब लगाए थे, जो अब पूरी तरह तैयार है। बता दें कि एक स्टिक की कीमत 40 से 50 रुपए काश्तकारों को आसानी से मिल रही है। वहीं जिला उद्यान अधिकारी एनके आर्य ने बताया कि लिलीलियम की खेती के लिए पॉली हाउस लगाने के लिए विभाग की ओर से 80-50% अनुदान मिल रहा है। ये जनपद चंपावत में पहली बार हुआ है जब वहाँ पर हम लिलियम की खेती हमने शुरू की है। वर्तमान में इसमें हमारे पास लगभग 4000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में वहाँ पर लिलियम की खेती हो रही है। इसमें हमारे कुछ करीब 4-5 किसान इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक तो जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस विभाग से अनुदान पर दिया जाता है। यदि आप 500 स्क्वायर मीटर तक का पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें विभाग 80% सब्सिडी देता है, और ये 500 से ऊपर कोई लगाता है, 1000-1200 का लगाता है तो उस पर सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो लिलियम का बल्ब है, ये बल्ब भी चूंकि बाहर से आयात किया जाता है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी आती है, तो इसके बल्ब पर भी हम 50% अनुदान किसानों को देते हैं। और उसी के साथ साथ समय समय पर उनका मार्गदर्शन, टेक्निकी जानकारी वगैरह हम उनको उपलब्ध कराते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिला है और उससे किसान काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। आशा है कि हम इसको और आगे इसको बढ़ा लेंगे और वो बालिक और देवीधुरा का इलाके को हम एक क्लस्टर के रूप में उसमें हम डेवलप करने की हमारी पूरी कोशिश है। बता दें कि हॉलैंड से इसके बल्ब को मंगाया जाता है। वहीं देवीधुरा उद्यान सचल केंद्र प्रभारी प्रदीप पचैली ने बताया कि स्थानीय किसानों में लिलीलियम की खेती को लेकर काफी उत्साह है और लिलीलियम की खेती करने वाले किसानों को विभाग की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। साथ ही लिलीलियम के बल्ब को खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है और अब देवीधुरा को लिलीलियम क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे काश्तकारों की आय में मुनाफा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।